दिखाता हूं पत्रकार, ठाकुर बलदेव सिंह के बारे में गलत लिखने का अंजाम। ये इंकलाब है इंकलाब, मैं अपने अखबार में ये लिख के रहूंगा कि तो पहले भी डाकू था डाकू, और आज मैं ये दुनिया को बता के रहूंगा कि तेरे कितने काले धंधे हैं और तू क्या करता है। अखबार में लिखना क्या शुरू कर दिया और अपने आप को नेता समझने लगे और टकराने लगे मुझ जैसे अंगूठा छाप से? सारी दुनिया जानती है मैंने इस अंगूठे के नीचे सारी दुनिया को दबा के रखा है। मार डालो साले को। ससुरा जवान इतनी लंबी और जान इतनी छोटी, दो ही फटके में झटक गया। ले जाओ साले को चौराहे पे लटका दो। मजा आ गया ठाकुर आज तो यार। कितना शुभ मुहूर्त निकाला है इस बागी को मारकर। क्या मतलब? अरे भूल गए ठाकुर, जब भी तुम किसी को मारते हो उस दिन हम जश्न मनाते हैं। आज की रात कटेगी चंपा बाई के कोठे पर और किसी हसीना की पांवों में। और आज की लड़की भी कुंवारी है। कौन है वो? रानी। रानी ठाकुर, हमारी रानी। आज उसका पहला मुजरा है, नत उतरने वाली है उसकी आज। अरे बाप रे, बड़े बड़े लोग बोली लगाएंगे आज। कोई बोली नहीं बोलेगा, जो बोलेगा बोली उसको मिलेगी बंदूक की गोली। जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगा वो। या रानी का मुजरा तो सिर्फ हम लोग देखेंगे। जिनकी आँखों में है तूफान जमाने के लिए, दिल है बेताब मेरा उनको मनाने के लिए। दस रुपया में घुंघटा उठा दूंगी, और दस रुपया में घुंघटा उठा दूंगी, बीस दोगे तो दुनिया लुटा दूंगी, हो बीस दोगे तो दुनिया लुटा दूंगी। दस रुपया में घुंघटा उठा दूंगी, बीस दोगे तो दुनिया लुटा दूंगी, हो बीस दोगे तो दुनिया लुटा दूंगी।
एक ही पल में दीवाना कर दिया तूने मुझे, दिल की दुनिया में हलचल मचा दी तूने, हाय हाय। ठाकुर साहब, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। क्या बात कर रही हो बालिका? ठाकुर साहब मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वाकई तुम्हारी जवानी का मुहूर्त अपने प्यार भरे होठों से करना चाहते हैं। अब तुम ये 10-20 का चक्कर छोड़ दो, लाखों में खेलोगी, ठाकुर साहब तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। ठाकुर साहब तो तुम्हारी नत खरीद चुके हैं, आज रात तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, सेवा। माँ, क्या सचमुच तुमने मुझे बेच डाला? देख बेटी, जिस तरह फूल को गजरे में सजना पड़ता है ना, उसी तरह हर रात तवायफ को एक न एक दिन तो बिकना ही पड़ता है। अरे तू तो तकदीर वाली है, ठाकुर साहब के यहाँ जा रही है, तेरी जिंदगी बना देंगे, तेरे को ऊपर से नीचे तक सोने में लाद देंगे। सोना चांदी तो क्या, ये ठाकुर साहब अगर मुझे हीरो का पहाड़ भी लाकर दे तो मैं उसे भी ठोकर मार दूंगी। चंपा भाई, आज तक कोई भी कली फूल बनने से पहले हमारे बाहों से नहीं निकल गई, और अगर गई भी है तो हमने सारे बाग जला दिए। माँ, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ को अगर तुझे बचाना होता तो तेरे पैरों में घुंघरू नहीं बनने देती। मैं उन घुंघरों को खोलकर फेंक चुकी हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तू अगर इस कोठे से जाएगी तो सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली में जाएगी, समझी? जा, ले जाओ इसे। अब देखो, हम शैतानों की शैतानी। उठो उठो, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूँ? तेरे गले में फंदा डालने के लिए मैंने लाख रुपए की रस्सी खरीदी है। मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं जो औरत और मर्द में होता है, इसलिए आज तक हमने शादी ही नहीं की। ठाकुर साहब के कहने का मतलब है कि जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर हमारा दिल आ जाए उससे अंगूठी समझो और अपने आप को नगीना बन कर उसमें फिट कर दो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। अब देखो, हम शैतानों की शैतानी। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे? मुझ पे रहम करो ठाकुर। बस जाने छोरी के हाथ से कुत्ते करारी है। छोड़ दे। बहुत दमदार हो। छोड़ दो ठाकुर। कैसे छोड़ दे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या नाश हो गया? क्या हुआ? भाग गई। सब दरोगा जी। दरोगा जी करती रहोगी क्या? जिस जंजाल में फंसी हो उसके बारे में कुछ बताओगी? ठाकुर बलदेव सिंह हाथी कुत्ते मेरे लूटे में तुले हुए हैं। आदमी इज्जत लूटते हुए तो मैंने सुना था, लेकिन कुत्ते इज्जत लूटने लगे, ये पहली बार सुन रहा हूँ। बाय द वे, कौन से नस्ल के कुत्ते थे? खैर छोड़ो, पता नहीं क्यों कुत्ते अपना स्टैंडर्ड आदमी से नीचा गिराने पर तुले हुए हैं। कुत्तों से मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के वो दोस्त जो हर बुरे काम में उसका साथ बात देते हैं। अच्छा, तो एक तितली पर ठाकुर और उसके दोस्त पिछली बन के गिर पड़े? डोंट वरी, एक अनार 10 बीमार, लेकिन इंस्पेक्टर ज्ञानचंद के होते हुए कोई नारी की इज्जत नहीं लूट सकता। मैं बलदेव का सारा बल
कानून के दल दल में निचोड़ के रख दूंगा। आई प्रॉमिस। भगवान आपका भला करे। जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तब तब इस धरती पर हम जैसे इंस्पेक्टर जन्म लेते हैं उन पापियों का सर्वनाश करने के लिए। तुम रो मत, तुम चलो मेरे साथ। कमान यार बलदेव, क्या चूजा निकल गया हाथ से यार, रात को नींद नहीं आएगी अब। यार क्या है इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों। वाह इंस्पेक्टर वाह, जिस चिड़िया को पकड़ने के लिए हम लोग जाल लेके घूम रहे हैं तुमने उसको अपने पिंजरे में बंद कर दिया। यही चिड़िया तुम तीनों को गिरफ्तार करवाने आई है। तुम तीनों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और मैं तुम लोगों को उसी जुर्म में गिरफ्तार कराने आया हूँ। अरे वो इंस्पेक्टर, तू 70 बार भी जन्म लेगा ना तब भी तू अपनी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर सकता। अबे ये चूरन किसी और को देना, तेरे जैसे हजारों तटपुंजिए मेरे जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अरे वो तो ठीक है दारोगा, लेकिन इस छोरी के लिए हमसे दुश्मनी लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। बाय गॉड, एक जगह दोस्ती की बात करते हो और दूसरी जगह मेरे साथ धोखा करते हो। धोखा? हाँ। वो कैसे? मैं अकेला पुलिस स्टेशन में मक्खियां मारूंगा। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर तुम भी? हाँ हम भी। जिस शेर से बचने के लिए तुमने जिस भेड़िए का सहारा लिया वो भेड़िया भी इस शेर से मिला हुआ है, यानी ठाकुर बलदेव सिंह के साथ। चलो जाओ, जाओ। अब ये फूल तो मुरझा चुका है, इसे हमारे फूलदान से निकालकर बाहर फेंक दो। उठ हरामजादी, उठ, उठ। रानी बिटिया, आ गई तू? अरे तू तो बहुत थकी हुई लग रही है, लगता है सारा बदन का पानी पसीना बन के बह गया है, बहुत मैली हो गई है तू। अरे जा, जाकर नहा धोकर एकदम तैयार हो जा, आराम कर ले। कल तुझे कोठे पे रौनक बन के चमकाना है जो चांद जैसा। हराम जादी, चांद आपका गोला बन चुकी है और उसकी जिम्मेदार तू है। तू तू बोलती है ना, तू बोलती है ना नहा ले। मैं नहाऊंगी जरूर मगर पानी से नहीं, रानी तेरे खून से नहाएगी। हराम जादी, किसी को मां नहीं कहेगी। वो तेरी मैं मिसाल बनाऊंगी कि कोई अपना किसी गंदी को मां नहीं कहेगी। बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी। मुझे मत मार, मेरी जान को बख्श दे बेटी, मुझे मत मार। मैं तेरी माँ हूँ, मैं देख देख मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत मार बेटी। बात है, इंसान इज्जत लूटते हैं और डाकू इज्जत देते हैं। समझ में नहीं आता किस पे भरोसा करूं किस पे ना करूं। जिन्होंने तुम्हें लूटा है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आज से तुम हमारी सरदार डाकू रानी हो। डाकू रानी जिंदाबाद। डाकू रानी जिंदाबाद। डाकू रानी जिंदाबाद। डाकू रानी। मालिक मालिक। अरे रामप्यारी तुम, आज तुम्हारी माँ नहीं आई? मालिक मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, खड़ी क्यों? ये दूध तो हम रोज पीते हैं, लेकिन आज तो हम मालिक ही का करे तो मालिक नहीं, मालिक मालिक नहीं, मालिक छोड़ दो, मालिक मालिक नहीं, मालिक छोड़ दो, नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे नहीं। देख चौधरी, तेरी बुरी नियत के बदले तेरी लाश गिराने, तेरे सर पे मौत का चिराग जलाने डाकू रानी आ गई। चौधरी की लाश गिरी तो भूकंप आ जाएगा, हर वो जंगल जल जाएगा जहाँ डाकू का ठिकाना है, हर भीड़ में सैलाब आ जाएगा, सारे डाकू डूब के मर जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे। कुर्ते के बटन तोड़ नहीं सकता, कुर्ता क्या फाड़ेगा, मेरा अंगूठा मोड़ नहीं सकता, इन सारे डाकों को मौत के घाट क्या उतारेगा रे? कुछ उतारूं या ना उतारूं, लेकिन आज तेरी नजर जरूर उतारूंगा, क्योंकि तू आज बड़ी चिकनी लग रही है रे। दुनिया का सबसे खूबसूरत है मेरा ये बिस्तर, जहां तुझे आज मैं इस बिस्तर पे मारूंगा, इस बिस्तर पे, समझी? बिस्तर? तेरा बिस्तर? न जाने कितनी लड़कियों ने इस पे खून के आंसू बहाए हैं, इसी बिस्तर पे तेरा खून तर बतर करूंगी। बिस्तर उठ कमीने उठ, कुत्ते उठ। कहाँ कुत्ते? बिस्तर, तेरा बिस्तर? बहुत ऐश किए ना तेरे बिस्तर पर? नहीं। बहुत मजे लिए ना? और यही बिस्तर तेरे मौत का कारण बन जाए तो? क्यों? चलो चलो साथियों, हट। जय हो ठाकुर साहब की। ज्ञानचंद, तुम वो फटा हुआ रुमाल बन के रह गए हो जिसे सिर्फ जूते साफ किए जा सकते हैं, मुंह नहीं। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? अरे समझोगे कैसे, समझने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अरे वो हरिपुर गांव के चौधरी को रानी ने मार डाला है, और वो हमसे करोड़ों का चोरी का माल खरीदता था, समझे? चींटी के पर निकल आए हैं, मैं उसके पर कतर दूंगा। हाँ ज्ञानचंद, तुम्हारे भेजे में ज्ञान रति भर का भी नहीं है। तुम ये समझते हो कि वो खुद आकर तुमसे कहेगी मुझे पकड़ लो, आ बैल मुझे मार? ठाकुर साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके यहाँ पैरा लगा दूंगा। लगा दूंगा नहीं, लगा दो, दो। जाओ। जो हुकुम ठाकुर साहब। बेचारे चौधरी की तरह मारे जाएंगे, कितना दोस्त था हमारा। कसम से यार, बेचारा मारा गया, बहुत शरीफ आत्मा थी। फोन। हाँ बोलो ठाकुर साहब। हाँ बोलो ठाकुर साहब, आपका अफीम और चरस का डर पकड़ा गया।
अफीम और चरस का ट्रक पकड़ा गया। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? इंस्पेक्टर काली ने पकड़ा। इंस्पेक्टर काली? चलाओ चलाओ जल्दी करो, यह जल्दी जल्दी बोले नहीं, यह जल्दी करे। हाँ चल जल्दी। गन नीचे रखो, रखो नीचे। कौन तुम? क्या नाम है तेरा? मैं हूँ इंस्पेक्टर काली, एक हाथ से बजाती हूँ मौत की ताली। चलो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मार मार के सबके मुंह कर दूंगी काले। इंस्पेक्टर चले। तो सीढ़ी से चलते हैं। चलो फिर। हाँ चलो सीढ़ी। मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो। हाँ पकड़ो। साहब ये जीप लेके भाग गया, हम सब घर कैसे जाएंगे? Shut up! अरे रुको रुको। कौन हो तुम? ए भाई क्या चाहते हो? देखो तुम भी भागे हो कह दी, मैं भी भागा हो कह दी, मुझे कहीं छोड़ दो। ठीक है चलो। सही जगह पे पेट्रोल खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, कोई बात फिर मिलेंगे।
किसी भी सूरत में वो आदमी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। आओ बेटी आओ। रॉबर्ट नाम का मुजरिम जिसे तुमने गिरफ्तार किया था, आज वो जेल से भाग गया है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए एक और है, एक और मुजरिम जिसका नाम अमित है, वो भी जेल से फरार हो गया है। क्या? सारे फाइल्स को पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है कि इस आदमी का ताल्लुक हरिपुर गांव से है और ये हरिपुर गांव का ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ अंकल कि ये उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो नशीली चीजें यानी कि चरस, गांजा और अफीम का व्यापार करते हैं, और इसी गिरोह का ताल्लुक हरिपुर गांव से ही है। करेक्ट, तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैं कल ही तुम्हारा तबादला हरिपुर गांव करवा देता हूँ। लेकिन मैं वहाँ भेद बदल के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वर्दी मुझे देख सारे चूहे अपने बिल में घुस जाएंगे, और मैं वादा करती हूँ अंकल इस ग्रह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक।
चुम्मा बार बार बलून तो हरा के जरा अखियों से मार गोली हमरा के जरा अखियों से मार गोली हमरा रानी हां ले जाओ इसे जाओ चलो करो चलो आवे तू से बार उठ चाचा 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 अरे बेटे तू तू जेल से भाग कर आया तो क्या सारी जिंदगी जेल में ही सड़ता रहता चाचा ठाकुर बलवंत सिंह ने हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लिया है अब जब तक मैं उसकी जिंदगी न छीन लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा लेकिन बेटा ठाकुर बलदेव सिंह को मारकर तुझे क्या मिलेगा तो आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं देख बेटा कानून की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और ठाकुर को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे कर बेटा और सुन पौधा लगाते ही फल नहीं मिलने लगते मगर तो चाचा इंतजार करना पड़ता बेटे मगर चाचा मगर कुछ नहीं देख अब जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा तेरा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है मैं तेरे छुपने के लिए खुफिया जगह बताता हूं वहां ठाकुर तो क्या ठाकुर के कुत्तों की हवा भी नहीं पहुंच पाएगी यार बलदेव रानी ने परेशान किया हुआ है ये कुछ करता ही नहीं है ज्ञानचंद बेकार नाम है साले का क्या क्या कह रहे हो कहीं तुम मेरे जज्बात के साथ तो नहीं खेल रहे हो अबे यूं फुदक क्यों रहा है क्या हुआ बता ना आप भी सुनेंगे तो आप भी फुदकेंगे बता बता सुना रानी हमारे कब्जे में है क्या अरे वाह यार बलदेव यकीन नहीं आता जिसने हमारी जिंदगी में इतना भूचाल पैदा कर रखा है वो एक लल्लू पंचू के हाथों पकड़ी नहीं कह रहे हो अरे ठाकुर साहब मेरे सख्त पैरे के कारण वो अब तक पहुंच नहीं पाई इसलिए भेस बदल कर आई थी गांव में जब उसे पता चला होगा कि इंस्पेक्टर ज्ञानचंद का इलाका है तो उसका सारा सियानपन खत्म हो गया मैं अंधा हो गया अबे अंधा नहीं काना हो गया एक आंख से तो देख सकता है ना पर्ची पढ़ पर्ची में क्या होगा यार ठाकुर गरीबों के पेट खाली है और तेरे गोदाम में भरा भरा पड़ा है अनाज ये अन्याय रानी को बर्दाश्त नहीं है इसलिए कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारे गोदाम को लूट लूंगी तुम्हारी प्रिय डाकू रानी रानी प्यारे शंभुनाथ तुम कहते हो रानी तुम्हारे कब्जे में है तो ये पर्ची तुम्हारे माँ ने भेजी है ठाकुर साहब मैं कसम खा के कहता हूँ रानी मेरे कब्जे में है ठाकुर साहब ऐसा भी हो सकता है ये किसी और ने भेजी हो रानी के नाम से और उसे पता चल गया कि रानी हमारे कब्जे में इस समस्या को सुलझाने के लिए हम रानी से मिलने शंभुनाथ के साथ जाएंगे चलो शंभुनाथ हाँ ठाकुर साहब जमीन
वैसे तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, घी दिखाकर तेल खिलाता हूँ, लेकिन तुझे मारने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे मत मार दे ठाकुर साहब, नहीं नहीं। ध्यानचंद, पहरा इतना सख्त बढ़ा दो कि डाकुरानी भाग कर कहीं निकल न जाए। जो हुक्म मेरे आका। इसे तो अभी तक होश नहीं आया। उफ़ो, क्या करूं? हाय, ये तो लड़की है। माफ कीजिएगा, आपको सांप ने काटा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है,
ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज है कानून से भागे मुजरिम को कानून के हवाले करना। आप है कौन? मैं इंस्पेक्टर काली। तुम्हारा साथी रॉबर्ट कहाँ है जो तुम्हारे साथ भाग गया था? रॉबर्ट मेरा साथी नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे गिरोह को पकड़ने के लिए हरिपुर आई हूँ। मेरा कोई साथी नहीं है और ना ही मेरा कोई गिरोह है। हाँ ये सच है कि मैं जेल से भागा जरूर हूँ, लेकिन मैं तब तक कानून के हाथ नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर दूं। आमिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। रुक जाओ अमित, वरना मैं गोली मार दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। हिला मत, क्योंकि मेरी उंगली हिल गई तो समझ लो गोली चल गई। और अगर गोली चल गई तो मिट्टी में मिल गई रे। इस पवित्र मिट्टी की कसम, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तेरी सीटी गुम हो जाएगी। जहां तेरे मुंह से आह नहीं सीटी निकलेगी, सीटी। मैं डाकुरानी नहीं। तो क्या महारानी हो? तू तो डाकू रानी है क्योंकि तेरे हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल बना रही क्या? ए गुमनाम माँ बाप की गुमनाम बेटी, मेरे सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, फिर तू तो चीज़ी क्या है रे थू? किसी की सांसें उखाड़ना और बिगाड़ना भगवान के हाथ में होता है, और जो इंसान भगवान बनना चाहता है ना, मैं उसे हैवान की तरह मारती हूँ। काली, मुझे उन तक पहुंचने के लिए मुझे वही बनना चाहिए जो ये चाहते हैं। पांडुरंग, सांडुरंग और ढोंडुरंग, पकड़ लो इसे। चल। कौन हो तुम लोग? लूट लो ठाकुर का गोदाम। जाओ, जल्दी करो। ठाकुर बलदेव सिंह को आ जाएगा पानी जब उसे पता लगेगा उसका अनाज का भरा हुआ गोदाम लूट कर ले गई डाकू रानी। मजा आ गया भाई। गॉड, डाकू रानी को पुलिस ने पकड़ लिया। बल्ले बल्ले, क्या बात है हवलदार, डाकू रानी को पकड़ा पुलिस ने। जी चाहता है तेरा मुंह शक्कर की घोनी से भर दूं, लेकिन नामुमकिन है। मुंह छोटा है, घोनी बड़ी है, इसलिए अवतार इसे आटा ला दे। बनिए के पास जा, गुड़ खरीद और मुंह मोटा कर ले। चलो अपन जोहरा भाई के अड्डे पर चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, वहाँ नहीं। क्यों? अगर कोई और रानी पैदा हुई तो? अरे यार ये फोकट टेंशन देता है यार। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये सब हो गया, अब लूट गए, बर्बाद हो गए। लूट गया, बर्बाद हो गया, शायद खुशखबरी तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं बलदेव, ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अच्छा मेरे लिए है तो बोलना क्या हुआ? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, पानी में भिगे हुए कारतूस की तरह क्या पुरपुर कर रहा है? जल्दी बोलना क्या बोलना चाहता है? डाकू रानी ने आपका अनाज से भरा गोदाम लूट लिया। ठाकुर साहब, डाकू रानी को पुलिस थाने में बंद है। नहीं साहब, झूठ बोलता है ये। झूठ बोलता है? नहीं, ये झूठ बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकू रानी को गोदाम लूटते हुए। झूठ बोलता है? तुम झूठ बोलता है? तू झूठ बोलता है? तू झूठ बोलता है? तू झूठ बोलता है? इसका फैसला हम पुलिस थाने जाकर करेंगे। चलो अब कहाँ जाएगी सुसरी? ज्ञानचंद मक्खी चूस। आइए आइए ठाकुर साहब, हरिपुर पुलिस स्टेशन में आपका हर हरा स्वागत है। ठाकुर साहब, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, आपका गोदाम लूटने से भी बच गया, और डाकू रानी वो हमारे हिरासत में है। जब कोई अकलमंद बेवकूफम की महफिल में डिंगे मारता है ना, तो लोग बोलते हैं वो देखो इंस्पेक्टर ज्ञानचंद आ रहा है। वो क्यों, वो क्यों? क्या मतलब? गोदाम भी लूट चुका और लूटा भी है डाकू रानी ने। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? डाकू रानी तो लॉकअप में है, आपको भरोसा नहीं है? आइए आइए, अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन, फॉलो मी।
आइए 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 ठाकुर साहब, अपने आंखों से सुनिए और कानों से देखिए। ये तो डाकू रानी है। ठाकुर साहब, इस खतरनाक शेरनी को हमने चुटकी बजाते हुए पकड़ लिया और सलाखों के पीछे चकड़ लिया। रानी चक्र है और तू चकरा देने वाला चला है। पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा दिया, बाद में पुलिस से गोदाम का पारा भी हटवा लिया, उसके बाद अपने आदमियों के जरिए गोदाम भी लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जान के खातिर हम एक दो क्या 10 गोदाम भी लुटवा सकते हैं। चलो गैंचम, आइए ठाकुर साहब। देखा ठाकुर साहब, ज्ञानचंद नाम है मेरा। ठाकुर साहब, हमारी इस कामयाबी पर क्या आप हमें मुबारकबाद ही नहीं देंगे? वो तो देंगे ही, मगर उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। रानी को सजा हम देंगे। रानी को हमारे आदमियों के हवाले कर दो। राजा साहब, रानी आपकी हो गई समझो। नॉटी। सफेद बाल हो गए लेकिन अब भी रानी की ख्वाहिश रखता है, बूढ़ा ठरकी। बेटा बेटा, वो रानी पकड़ी गई। कौन रानी? बेटा, तेरे जेल जाने के बाद वो बेचारी ठाकुर के जुल्मों से परेशान होकर डाकू रानी बन गई थी। अब सुना है इंस्पेक्टर ज्ञानचंद ने उसे पकड़ लिया है और उसे ठाकुर के हवाले करने वाला है ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन चाचा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर अपनी ताकत तो बढ़ा सकता है। मतलब ये, अगर तू ठाकुर से बदला लेना चाहता है तो रानी को ठाकुर के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है चाचा, मैं अपना पहला बदला रानी को ठाकुर के चुंगल से बचा कर ही लूंगा। बरसात से बचे और सलाम में अटके। क्या मतलब? मैंने तो आपको डाकू रानी समझकर बचाया था। मुझे क्या पता था आपका ये चेहरा कानून का मोहरा बनकर मुझे फिर घेर लेगा। रानी पे लगा हुआ ये चेहरा न जाने कितनी खोपड़ियों को उल्टी झोपड़ी बना रहा है। वैसे ही मुझे बचाकर तुमने ऐसा नहीं किया बल्कि मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब किसी नरखट बच्चे की तरह खटपट नहीं करना वरना जिंदगी से आजाद कर दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर और कुएं में डाल। पुलिस वाले एहसान का बदला कानूनी तमाचा मार कर देते हैं। ये राग तो वही मुजरिम अलापते हैं जो एक हाथ से बेगुनाही गर्दन दबाते हैं और दूसरे हाथ से पुलिस वालों के माथे पर नाकामी की मोहर लगाते हैं। बदनामी की मोहर लगाने वालों में से मैं नहीं हूँ और तुम्हें गिरफ्तारी करना है ना,
तो जाकर उस ठाकुर को गिरफ्तार करो जो जुल्मों का बादल बनकर गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस ज्ञानचंद के हाथों में जो सरकारी दाल में बलदेव सिंह का नमक मिलाकर खाता है। मैं तो कहता हूं काट डालो अवतार सिंह की जुबान, जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंकती हैं। तुम तो उससे बढ़कर भयानक मुजरिम हो जिसने अपनी ही बहन को। बस इंस्पेक्टर बस, अब इससे आगे एक लफ्ज बोला मत, नहीं तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। जानना चाहती हो तो सुनो, मेरी एक बहन थी राधा, उसकी खेती गांव वालों की खेती से बहुत अच्छी और दुगनी हुआ करती थी। हमारे गांव का ठाकुर उस जमीन को खरीद कर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था और हमने उस ठाकुर की बात को दुत्कार दिया। एक दिन मैं शहर से गांव वापस आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा मेरी बहन को ठाकुर के आदमी उठाकर ले गए। उसके बाद मैं हवेली की तरफ भागा। ठाकुर! उठो और इस पर अंगूठा लगाओ। नहीं, मैं जीते जी इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तुम जीते जी हाँ नहीं करना चाहती ना? नहीं। ठीक है, हम तुम्हें मार कर हाँ करवाते हैं। अरे बलदेव, ये क्या किया यार? अब अंगूठा कैसे लगाएंगे? अब लगवा लेंगे, ये लो। या ये पहन लो और जहां जी चाहे इसका अंगूठा ले लो। इसके बाद ये अंगूठे के पेपर अपने होंगे और उसके सारे खेत अपने होंगे। ठाकुर, ठाकुर, तूने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। इस चाकू की प्यास मेरी बहन के खून से नहीं बुझी, इसकी प्यास अब मैं तेरे नापाक खून से बुझाऊंगा। खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। ठाकुर, आज पुलिस पहली बार टाइम पे आई है। इंस्पेक्टर, मेरी बहन का खून इन लोगों ने किया और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। शर्म आदमी, शर्म नहीं आती? अरे देवता समान ठाकुर पर इल्जाम डालते हुए। देवता समान और खंजर तो तेरे हाथ में है, ठाकुर साहब के हाथ में नहीं है। अरे हवलदारो, ले जाओ इसको और हमरी चक्की का आटा खिलाओ, ले जाओ। सुनवाई करना, इसको कानून की ऐसी सजा दिलवाओ कि इसके जवानी का जोश बुढ़ापे के बेदर्दी में बदल जाए। हाँ, और रही गवाही की बात, तो हम जैसे गवाहों की गवाही तो कानून को माननी ही होगी भाई। जो हुक्म ठाकुर साहब। उनकी झूठी गवाही ने मुझे उम्र कैद की सजा दिला दी और आज मैं कानून से इसीलिए भागा हूँ ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। अब भी तुम अगर ये चाहती हो कि मेरी बहन का खून ठाकुर के दामन से धुलकर उसकी झूठी गवाही में दफन हो जाए तो लो, गिरफ्तार कर लो मुझे। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सच साबित कर रहा है, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित जरूर करूंगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ सबूत चाहिए। सबूत हासिल किए जा सकते हैं, मगर कैसे? तुम्हारी शक्ल डाकू रानी से बहुत मिलती जुलती है। अगर तुम डाकू रानी बनकर अवतार सिंह पर हाथ डालो तो वो तुम्हारे डर से सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा और सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। हम अवतार सिंह को अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वो डाले जा रहा था मैं रोने जा रहा।
रखो, तुम लोगों ने किसी भी औरत पर जुर्म ना करने की कसम खाई है। सरदार, ये गाजीपुर की नथनिया है, इसका पेशा ही है लोगों को खुश करना। खबरदार, किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ के आओ। नहीं सरदार, जरा सोच लो, अगर इसको यहाँ से भेज दिया और इसने हमारे अड्डे के बारे में पुलिस को बता दिया तो। ये ऐसा नहीं करेगी, क्यों बहन? अरे छोड़ दिया, मुझ पर भरोसा रखो। कीने कीचड़ में पैदा होने वाले, जिंदगी भर गंदगी को जिस्म पे मल मल के जीने वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंख में आंख मिलाने की? अरे गरीबों का खून पी पी के तू बहुत मोटा हो गया है। अच्छा, पाप से भरा भरा है तू। अच्छा, पुरानी का एक गर्दन तोड़ डालेगा तुझे, मौत मौत का पंजा झगड़ कर तेरी गर्दन बरोट डालेगा। मौत के पंजे में इतना दम कहां जो इस एटम बम से टकरा सके। मौत को डरना ही होगा, डरेगी वो मेरी तरफ देखने से, कहीं उसे ही मौत ना आ जाए, समझा? Ha,
देख देख ठाकुर, उधर देख ठाकुर, तेरी मौत आ गई ठाकुर। अवतार सिंह, धिक्कार है तुझ पर, जो तू एक कमजोर आदमी पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहा है। अवतार सिंह, पोंछ ले अपने माथे का पसीना, क्योंकि बाद में तुझे नसीब नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तुझ जैसा गरीब दुनिया में पैदा नहीं होगा। ठाकुर रानी, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं इन सब के सामने तेरी हेकड़ी इस तरह उतारूंगा कि तेरे बदन का रुआ रुआ कांप उठेगा। कर गुस्सा, कांपेगा तू, थर्राएगा, पर मरेगा तू। रानी ने आके तो सब गुड़गोबर कर डाला। ये तो अवतार सिंह के सारे तार अलग करके रख देगी, जबकि इसका जिंदा रहना तो बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर सबको चक्कर में डालो, अगर अवतार मर गया ना तो हम दोनों के दोनों घनचक्कर बन जाएंगे। ठीक है, मैं वहां जाती हूँ और सबकी चक्री घुमाती हूँ। ठीक है। कौन है तू? तू बता, कौन है तू जिसने मेरा चेहरा चुरा कर अपने चेहरे पे चिपका लिया है? मेरी खोपड़ी में अक्कल का तूफान है, मुझे किसी का चेहरा चुरा कर जीने की आदत नहीं है। जीने की चाहत हो या ना हो, मरने की चाहत जरूर है, और मैं तेरी इसी चाहत को तेरे मुंह से आह आह निकलवा कर पूरा करूंगी। हम दोनों में से जो जिंदा बचेगा वही डाकू रानी होगी। आज तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, खबरदार जो कोई बीच में आया तो। हे भगवान, एक डाकू रानी कम थी क्या जो दूसरी भी रहती? भगवान, मेरी जान बचा। मैं पहचानूंगा कैसे, काली है या रानी? ये क्या, ये काली ही है। लगता है सरदार को चोट आ गई है। चलो छोटे भाई, चलो तू बंदूक उठा ले। जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी। अब कैसी तबीयत है इंस्पेक्टर काली? काली, मेरी हम शक्ल का नाम काली है और वो इंस्पेक्टर है, लेकिन वो गई कहाँ? क्या सोच रही हो काली? कुछ नहीं, मगर उसका क्या हुआ? कौन? डाकू रानी? वो तो मारी गई, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। कल तक मैं अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान समझता था, पर आज आज मुझसे ज्यादा खुश नसीब इंसान और कोई नहीं। इसका मतलब ये मुझे काली समझ रहा है। अगर मैं डाकू रानी से इंस्पेक्टर काली बन जाऊं तो मेरा ठाकुर और उसके कुत्तों से इंतकाम पूरा हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर जाके आती हूँ। देखो, हमारे सरदार को होश आ गया। ये काली माँ की कृपा है,
हमारी रानी को होश आ गया। तो ये डाकू रानी के साथी हैं और मुझे डाकू रानी समझ रहे हैं। बेहतर यही है कि काली सी रानी बनकर रहने में ही भलाई है। सरदार आपकी तबीयत कैसी है? ये सरदार कौन है? तुम हमारी सरदार रानी हो। और मैं कौन हूँ? तुम हमारी सरदार डाकू रानी हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम अपने आपको पहचानने की कोशिश करो। तुम हमारी सरदार हो, डाकू रानी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है इसे सर पे चोट लगने से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। जिसने हमारे सरदार की हालत की है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिन हो गए, रानी की ना तो कोई चिट्ठी आई ना कोई फोन आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं। काली एक बहादुर इंस्पेक्टर है और पहली बार खुफिया तौर पर काम कर रही है। हो सकता है उसे फुर्सत नहीं मिली होगी, लेकिन जहां तक मुझे यकीन है वो जहां भी होगी जैसी भी होगी अच्छी होगी। जैसे होट
कोई नशा, महकी गजल है, खिलता कमल है या के हंसी घटा। पतली कमर है उफ क्या नजर है तुझसा कोई कहा, सुल्फे उड़ा के तू जो चले तो झूमे ये आसमां। जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। नाम आपका ना, क्योंकि मैं मोहब्बत में हार के भी जी सकता हूं पर तुम्हारी ना सुनकर नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं काली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारी ना सुनकर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। ये प्यार तो उधार का प्यार है, किसी और की झोली से गिरे हुए प्यार के सिक्के मैं अपनी झोली में नहीं भर सकती। माँ, तुमने मुझे ये किस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। मैं तो अपना बदला लेने के लिए काली बनना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता हमिद काली से इतना प्यार करता है। माँ, जब उसे पता चलेगा कि काली मर चुकी है तब उसके दिल पे क्या गुजरेगी। माँ, नहीं माँ, काली समझकर वो मुझसे प्यार करता है, बस इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती माँ, नहीं दे सकती। प्यार जैसी पवित्र कामना का मुझ जैसे अपवित्र आत्मा का मेल कभी नहीं हो सकता माँ, कभी नहीं। मुझे सिर्फ बदला लेना है माँ, और इंतजार है उस गोली का जिस पर मेरा नाम लिखा है। मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। बेटी काली, तुम यहां? क्या बात है बेटी? बेटी काली, मैं तुम्हारे लिए हरिपुर आया हूं, और सब खैरियत तो है ना? बेटी, तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, ना तो तुमने यहां के कोई रिपोर्ट भेजी और ना ही अपनी मां को खत लिखा। मां? हां बेचारी मां, जानती हो तुम्हारे लिए कितना परेशान रहती है। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी, क्या सोच रही हो? हाँ,
कुछ नहीं। अरे माँ है ना, सोचेगी तो सही। लेकिन ये बताओ, रॉबर्ट और अमित का क्या हुआ, और वो ड्रग्स सप्लायर का क्या हुआ? अमित बेकसूर है, और ड्रग्स का धंधा करने वाला गांव का ठाकुर बलदेव सिंह है, और उसका साथ दे रहा है इंस्पेक्टर ज्ञानचंद। लेकिन सबूत तो होगा? सबूत की ही तो तलाश है। बेहतर होगा कि तुम अब अपने असली हालत में वापस आ जाओ। असली हालत? मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आया हूँ। तुम आज ही हरिपुर के पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालो, समझी? और मैं उस इंस्पेक्टर ज्ञानचंद को देखता हूँ। ज्ञानचंद! ठाकुरानी, ठाकुरानी जरा सी भी हिलने की कोशिश मत करना। आखिर तुम मेरे डर से डरकर आत्मसमर्पण करने चली आई? पहले बंदूक तो सीधी कर ले। देखो, हिलना नहीं, जरा सी भी चालाकी मत करना। हाँ। हवलदार, इसे हथकड़ी पहनाओ। देखो, जरा सी भी चालाकी की तो आज मुझसे वो गलती हो जाएगी जो इतने सालों में नहीं हुई। हाँ, देखो, हिलना नहीं। मैं हथकड़ियां पहनने नहीं, पहनाने आई हूँ इंस्पेक्टर ज्ञानचंद। हथकड़ियां पहनाने आई? कहीं हथकड़ियों को तुम चूड़ियां तो नहीं समझ रही हो? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, अपने आप को पुलिस वाली समझ रही हो। इंस्पेक्टर ज्ञानचंद सर, ये क्या तमाशा हो रहा है? सर, मैंने डाकू रानी को गन पॉइंट पे रखा है। सर, ये डाकू रानी नहीं, ये मेरी भतीजी सीनियर ऑफिसर काली है। काली? काली सर, ये तो गोरी है। आज से ये इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है और तुम इसके अंडर काम करोगे। मुझे पता चला है कि तुम्हारा ठाकुर बलदेव सिंह के काले कारनामों में बराबर का साथ है। तुम उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और खुद जाकर उसे गिरफ्तार करो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। यस सर। तुम्हारी ये औकात कि तुम हमें गिरफ्तार करने की बात सोच रहे हो? ठाकुर साहब, कमिश्नर के ऑर्डर्स है कि आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि मुझे आपको गिरफ्तार न करना पड़े। ठाकुर के साथ उच्च आवाज करने वालों का अंजाम तो तुम देख चुके हो। आप मेरी मजबूरी तो समझिए ना ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर काली बहुत खतरनाक औरत है और बात बात में माँ बहन की गाली देती है। इंस्पेक्टर काली से कहो कि हम उसे मिलना चाहते हैं। जो हुक्म ठाकुर साहब। आओ इंस्पेक्टर काली, आओ। तुम्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि डाकू राणा ने अपने कपड़े उतार कर ये वर्दी पहन ली हो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर रानी, जितनी तनख्वाह तुम्हें सरकार से मिलती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें नजराने में देना चाहता हूँ। करना क्या होगा? बस हमारी इंक्वायरी की फाइल बंद कर दो और डाकू रानी पर मौत का धब्बा लगा दो। एक बात पूछो ठाकुर साहब। हाँ हाँ पूछो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस जरूरत नहीं पड़ी। जब बाजार में दूध मिलता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है ठाकुर साहब? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आज आपकी कोई औलाद होती तो रानी के हाथों आपको मरता देख उसे जरा भी दुख ना होता। बंद कर अपनी जुबान। जो हमारे मौत के बारे में सोचता है वो बेमौत मारा जाता है। अरे ठाकुर साहब, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आपका काम हो जाएगा, घबराइए मत। मैं जिस काम को करने का वचन देती हूँ उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। ठाकुर साहब, मैं कल ज्ञानचंद से मिलकर रानी को पकड़ने का प्लान करती हूँ। गुड। के थैंक यू। तो अच्छी है। देखो मैं अपने शिकारों किस तरह मारती हूँ। अरे किस तरह से तुम डाकू रानी को मारोगी? वो कोई घरेलू घोड़ी थोड़ी है कि तुम नाम चिल्लाओगी और वो मरने के लिए हिनहिनाते हुए चली आएगी।
ज्ञानचंद। यस। तुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? वरना अपनी जान से हाथ धोने के लिए तू इस तरह जंगल में मेरे साथ अकेले नहीं आता। कहना क्या चाहती हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। मेरे बदन पे तेरे बड़े बड़े नाखूनों के घाव हैं, जो अलाव की तरह दहक रहे हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर काली नहीं डाकू रानी हूँ। डाकू रानी। क्यों अपने छोटे से बलमा को डरा रही हो? डाकू रानी की तरह आवाज बदल के गुर्रा रही हो? गुर्राती है कुतिया, मैं शेरनी हूँ, शेरनी दहाड़ती हूँ मैं, और अपने दुश्मन का सीना फाड़ती हूँ मैं। मेरी माँ, मुझे बचा लो। मुझे माँ कह के माँ जैसे पवित्र शब्द को नापाक मत कर कमीने। अपने हाथ से अपने माँ का गिरेबान चाक मत कर कमीने। मेरी इज्जत लूट कर तूने जो मुझे जख्म दिए हैं, उसके बदले में तुझे मौत दूंगी, मौत। देखो गांव वालों, डाकू रानी का कारनामा लाशों के ढेर लगाते जा रही है। आज उसने निहायत ही शरीफ पुलिस वाले को मारा है, जैसे वो इंसान नहीं सुअर है, सुअर। हमारा तो जीना दुश्वार कर दिया है डाकू रानी ने, न जाने आगे क्या होगा। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, आइए देखिए अपने लापरवाही का नतीजा। इतने दिन हो गए, आज तक आपने डाकू रानी को नहीं पकड़ा, यही कारण है उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। यहां तक आज उसने कानून का सर भी काट कर रखा है। ठाकुर साहब, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा होता है। क्या इसमें लिखा है? वह एक बेईमान पुलिस ऑफिसर था, कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था, घर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर अमित नाम के किसान को उसकी छोटी बहन के खून के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था, और इसी ने ठाकुर बलदेव की चंडाल चौकड़ी से मिलकर मेरी इज्जत लूटी थी। तीन को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूँ, और अब नंबर है ठाकुर बलदेव सिंह का। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस खत में लिखा है। ये लिखना पढ़ना छोड़ो, तुम कुछ करती क्यों नहीं? आखिर तुम इस मर्ज की दवा हो। रानी को पकड़ना इतना आसान नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें कब तक करती रहोगी? कभी कोशिशें कामयाब करने का भी वादा करो। हाँ ठाकुर साहब, एक वादा जरूर करती हूँ कि तुम्हें इस चिंता से जल्द मुक्त कराऊंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। जी साहब। कानून की बातों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा, लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है अब डाकू रानी हमारी सरदार बनने के लायक नहीं रही, बेहतर है कि उसे गोली मार देना चाहिए, वरना हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे। हाँ, कल्लू ठीक बोलता है। कल्लू ठीक बोलता है। क्यों रे कल्लू, तुम लोगों ने अपने सरदार को डरपोक समझा था? अरे बेवकूफो, मैं तो तुम लोगों को आजमा रही थी कि तुम लोग अपने सरदार को कितना चाहते हो। सरदार, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो।
अब मुझे उससे बदला लेना है जिसने मुझे जख्मी किया था। चलो मेरे साथ आओ, चलो। काले, काले मेरी बात तो सुनो। अमित, मेरे पास तुम्हारी फालतू बात सुनने का वक्त नहीं है, प्लीज तुम जाओ। रानी बेटी, तू हरिपुर से क्या आई, अपनी मां को ही भूल गई? ये मुझे काली समझ रही है। मैं एक मां को धोखे में नहीं रख सकती। मुझे सच सच बताना होगा कि मैं काली नहीं, डाकू रानी हूं। और ये कौन है? ये अमित है माँ जी, और मैं तुम्हारी बेटी काली नहीं, रानी हूं, रानी, डाकू रानी। तुम्हारी बेटी तो काली। तूने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काली मैं नहीं, मैं डाकू रानी हूं मां। हकीकत तो यह है, ये काली है, डाकू रानी मैं हूं मैं। ये झूठ बोल रही है, डाकू रानी मैं हूं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों साथियों? हाँ हाँ, हमारी सरदार डाकू रानी आती है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग अपने सरदार को नहीं पहचानते हो? अगर तू रानी है तो बता तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। इसमें सोचने की क्या बात है, तुम डाकू रानी हो ही नहीं तो बताओगे कैसे? मैं बताती हूँ, यह है कल्लू, यह है शंभू, यह है तराना। बेवकूफो, अपने सरदार को नहीं पहचानते? हम क्या करें, आप दोनों की शक्लें एक जैसी है, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम काली हो या तुम रानी, मगर तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। ये क्या कह रही हो माँ, ये कैसे हो सकता माँ? ये सच है बेटी, ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे पिता एक बहादुर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उसी दौरान डाकू बिल्ला सिंह गांव का खजाना लूटकर ले जा रहा था। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर धर्मा। हाँ कमिश्नर साहब, बिल्ला डाकू तो भाग गया लेकिन खजाना मेरे हाथ लग गया है, मैंने उसे रिजर्व बैंक में भेज दिया है। वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा सर, इंस्पेक्टर धर्मा के हाथों से वो बच नहीं सकता, मैं आपसे वादा करता हूं। ऑल द बेस्ट। A for apple, B for baby, you're my baby, C for camel. अरे वो धर्मा, बिल्ला सिंह पर मुंह उठाकर भौंकने वाले कुत्ते, हिम्मत है तो बाहर निकल, अगर निकलता है बाहर या मैं आऊं अंदर। बिल्ला सिंह है ये तो, तुम्हें काम करो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम बच्चों को लेकर पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, जाओ जाओ यहां से निकल जाओ। लेकिन जाओ, मैं कहता हूं जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। Yeah.
माय गॉड, हमारा बहादुर दोस्त इंस्पेक्टर धर्मा मारा गया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता भाई साहब। मैंने सब सुन लिया है, बर्बाद हो गई भाई साहब, मैं बर्बाद हो गई। भाभी जी, अपने आप को संभालो। वो इंस्पेक्टर धर्मा मारा नहीं गया, बल्कि अपने देश के लिए शहीद हो गया है। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। भाभी जी, रानी कहाँ है? वो भी न जाने कहाँ खो गई पता नहीं। और रानी हमसे बिछड़ गई। और एक जलील इंसान ने मुझे कोठे वाली चंपा बाई के हवाले कर दिया। ये ले दगड़ो, तो भी क्या याद करेगा। शुक्रिया शुक्रिया, वाह 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 वाह। अरे आ? ये तो बता, ये किसकी बेटी है रे? अरे चंपा भाई, तुम पेड़ काहे गिनती हो? आम खाओ ना। अरे मैं तो कहता हूँ गोश खाती रहो, हड्डियाँ हमारे पास रखती रहो, क्या कहा मैंने? चलूँ मैं? जा आदाब जा, जा, ऐश कर जा। आदाब अर्जे। देख, आज से तेरा नाम रानी है और तू बड़ी होकर इस कोठे की जीनत बनेगी, साहूकारों के दिल में रानी बनकर राज करेगी। और चंपाबाई ने मुझे बलदेव सिंह और उसी कुत्तों के हवाले कर दिया, उसके कुत्तों से तो बदला ले चुकी हूँ। अब इंतजार है तो ठाकुर बलदेव सिंह की मौत का। कल्लू, तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो और मैं ठाकुर बलदेव सिंह को ठिकाने लगाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। नहीं बहन, नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। नहीं बेटी, नहीं। अगर आज ये तेरी जगह होती तो ये इंस्पेक्टर होती और तू डाकू। ये तो विधाता की मर्जी है माँ। What? Oh my God! क्या हुआ अंकल? काली, हमें सूचना मिली है कि ठाकुर बलदेव सिंह ही पहले डाकू बिल्ला सिंह था। क्या? इसका मतलब बलदेव सिंह ने मेरे बाप को मारा और मेरी बहन तमाम जुल्मों की शिकार हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं काली, नहीं, मत भूलो कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये रहा ठाकुर बलदेव सिंह की गिरफ्तारी का वारंट। ठाकुर बलदेव सिंह ही डाकू बिल्ला सिंह है। इसका फैसला भाभी जी यानी कि तुम्हारी मां उन्हें अपनी आंखों से पहचान कर करेगी, क्योंकि तुम्हारी मां ने डाकू बिल्ला सिंह को अपनी आंखों से देखा है। काली, तुम अभी और इसी वक्त ठाकुर बलदेव सिंह को गिरफ्तार करके यहां लाओ। मैं तुम्हारी मां को यहां लाता हूं। यस अंकल। ओके। तुम
वही डाकू बिल्ला हो ना जिसने मेरे पति का खून किया था? हाँ, मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर धर्मा की पत्नी। तेरी बेटी ने तो तूफान मचा कर रखा है, अब उसे समझेगा। आओ चल, चल, चल। ठाकुर कहाँ है? बताओ मेरी माँ को कहाँ कैद करके रखा है? अपनी माँ को छुड़ाने आई है। भट के लिए बाप की सट के लिए औलादों, बताओ तुम्हारा बाप ठाकुर कहाँ है? कमीने, मेरी माँ को छोड़ दे। छोड़ दूंगा? तुमने मेरे सारे आदमियों को खत्म कर दिया और तू मुझे मारने का ख्वाब देख रही है? पहले तू ये बता, तू इंस्पेक्टर काली है या डाकू रानी है? डाकू रानी मैं हूँ, मैं हूँ डाकू रानी, डाकू रानी मैं हूँ। कमाल की बात है, तुम में से डाकू रानी कौन है ये हम कैसे पहचानेंगे? तुम दोनों में मुकाबला होगा, जो जीत जाएगी वही अपने माँ को ले जाएगी। वो देखो, रुक जाओ रानी, रुक जाओ काली। कुत्ते, अपने हाथ में मत लो, मुझे माफ कर दो, मेरी से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। बिल्ला सिंह बहुत हो गया, उठ।
रानी अमित रानी रानी यानी तूने क्या किया रानी? चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मत बहन, मैं तो खुश हूँ, मेरी जिंदगी है रानी। रानी 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 अमित, चलो चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो नहीं रानी, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नहीं रानी, मेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं रानी, नहीं रानी, नहीं अमित। रानी हाथ दो। हाँ रानी बोलो। रानी काली, मैं जानती हूँ तुम दोनों सदा के लिए रानी एक हो जाओ। रानी सदा के लिए रानी हो जाओ। रानी 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 रानी